नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं हूँ सीमा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत छायानगर के रहने वाले दिलीप कुमार रजक नामक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि दिलीप ऑटो चालक था और कोरोना के कारण धंधा नहीं चल रहा था और पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में था। वैसे मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोगों ने इसकी सूचना 100 नंबर डायल कर पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वहीं शव को पंचनामा के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि आर्थिक तंगी के कारण वह मुर्गा दुकान में काम करने लगा था, लेकिन वहां भी सही से पैसे नहीं मिल रहे थे। वैसे पुलिस जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। कभी काटने चल जाते थे, कभी रिक्शा चलाने चल जाते थे और कम से कम अभी 3 महीना से बैठे हुए थे यहाँ पर। कभी सोते थे और वहाँ जाते थे तो मुर्गा दुकान में 2-4 दिन करते थे, छाटन उटन लेके आते थे तो उसको बेचते थे कुछ पैसा आता था तो थोड़ा खाना उसका आदत है। सूचना देने के बाद जो है सो थाना से जो है सो आए हुए हैं और जाँच प्रतिक्रिया कर रही है और आगे जांच प्रतिक्रिया होगी और कारण का जो है सो अभी पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाई है। जमशेदपुर में कोरोना के कारण हो रहे मौत मामले की जांच को लेकर सोमवार से ही केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय जांच टीम शहर में है। सोमवार को जहां टीम के सदस्यों ने शहर में बने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया, वहीं मंगलवार को टीम टाटा मुखिया अस्पताल पहुंची। आपको बता दें कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा मामला जमशेदपुर से आ रहा है, साथ ही मौत के मामले में भी जमशेदपुर पूरे राज्य में पहले पायदान पर है। वहीं जमशेदपुर में सबसे ज्यादा मौत TMH में इलाज के लिए पहुंच रहे संक्रमितों का हो रहा है, जिसके बाद TMH प्रबंधन की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। इधर टीम के पहुंचते ही अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। टीम के सदस्यों ने अस्पताल के कोविड सेंटर और यहां इलाज के तौर तरीकों को देखने के बाद साफ कर दिया है कि अस्पताल के इलाज में कोई गड़बड़ी नहीं है। वैसे अभी जांच जारी होने की बात उनके द्वारा कही गई है। फिलहाल जांच टीम टाटा मोटर्स अस्पताल के लिए निकल गई है। आपको बता दें टाटा मोटर्स अस्पताल में भी कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। वैसे जांच टीम मीडिया के सवालों का सटीक जवाब देने से बचते रहे, या यूं कह सकते हैं कि टाटा मुखिया अस्पताल प्रबंधन की ओर से मीडिया को सवालों से दूर रखा गया। टीम लगभग 1 घंटा रुकी। हालांकि TMH में हो रही मौतों के मामले में टीम ने चुप्पी साध रखी है। सर दो सब सर TMS में आज जो जांच करने हैं कुछ खामियां मिली हैं क्या सर? नहीं, कोई खामी नहीं है, पर अच्छा काम चल रहा है। सर 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 आजा आजा सर सर हेलो सर ठीक है, हो गया ठीक है ना, फिर गाड़ी में। और वो वक्तव्य क्या है उन्होंने दिया है कि निजीकरण होगा, दुनिया के विश्वविद्यालय आएंगे लोग। आपको मैं बता दूं पूरे शिक्षा नीति में बोला गया है कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगा और ये फीस तय करेगा। ये फीस क्या होगा? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये पार्ट है शिक्षा नीति का।
हम लोग का मानदेय बहुत कम मिलता है 10,000 में। अभी कम महंगाई तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत महंगाई चल रही है, उस हिसाब से हम लोग का महंगाई के लिए हम लोग का मतलब घर का भरण पोषण बहुत मुश्किल से हो रहा है, ठीक से हो भी नहीं पाता है, घर में बच्चे हैं। विभाग से जुड़ने के लिए ही हम लोग का ये मांग है सरकार से कि हम लोग को कोई मजबूर न करें, ऐसा परिस्थिति ना आ जाए हम लोग के पास कि विभाग से हम लोग हटने के लिए मजबूर हो जाएं। हम लोग माओवादी क्षेत्र से, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हम लोग को सरकार बहाल किया गया था, सरकार का यही उम्मीद थी कि उस क्षेत्र में नक्सल प्रभाव को कम किया जा सके, और उसी उम्मीद को लेकर हम लोग को यहाँ रोजगार मिला था, और वही उम्मीद भी लेकर भी हम लोग ये विभाग से जुड़े हैं। और जैसे आप लोग जानते हो कि हम लोग का सिर्फ पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि सिर्फ 10,000 मानदेय में इस परिस्थिति में जमशेदपुर जैसे महानगर में ड्यूटी करना पॉसिबल नहीं है। और ये मानदेय जो है हमारे लिए, हमारे परिवार को लेकर के चलना बहुत ही कष्टदायी है। यहाँ की महंगाई और जो गांव की महंगाई है वो दोनों में काफ़ी अंतर है। उनको अंतर को समानता लाने के लिए हमें यहाँ लाया गया, और साथ ही साथ उस ड्यूटी को निभाने के लिए हमें यहाँ रखा गया, ताकि हम आगे इस तरह का कोई भी कार्य ना करें जिससे हम भटक जाएं। यहाँ पहले दिन बहुत अच्छा से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अच्छा व्यापार किए, सब आदमी आए सुबह से ही लेके, और बारी बारी से सब आ रहे हैं, एक साथ भीड़ने लगा रहे हैं, आ रहे हैं लेके जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं लेके जा रहे हैं। अभी तक हमारे दुकानदारी हो रहा है, अभी दिन के 10 बज रहे हैं, फिर भी आदमी लोग आके माल थोड़ा थोड़ा ले लेके अपना जा रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग के मास्क लेके सब तैयारी पूरी है। प्राथमिकता है कि स्टैंड परिसर को साफ सफाई कराकर और इसको सैनिटाइज कराकर अच्छे ढंग से, जो सरकार का ये है कि साफ सफाई हो, गंदगी से दूर रहा जाए, उसको देखते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि इसको व्यवस्थित ढंग से करके। जितने यहाँ पर पुराने थाने थे उनकी अभी स्थिति जो है कि उतना ठीक नहीं है, इसी के मद्देनज़र पहले पूर्व में ही
एक प्रपोजल जो है कि हेडक्वार्टर भेजा गया है, और इस प्रपोजल के तहत अभी फिलहाल में रामगढ़ में और मसांजोर थाना में ये अभी काम चल रहा है। नया थाना भवन बनने के शुरुआती दौर पर है, और हंसडीहा का जो स्थिति है अभी उसको देखते हुए अभी मुख्यालय की तरफ से अलग से टेंडर किया जाएगा। बताइए आज आप लोग धरना पे क्यों बैठे हैं? धरना इस विषय में 15-18 सेशन के जो विद्यार्थी है उनका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के एग्जाम के लिए, क्योंकि उनका 6 साल का रजिस्ट्रेशन बचा हुआ जो अगले साल खत्म हो जाएगा, यूनिवर्सिटी अभी मना करिए परीक्षा लेने के लिए। इसी विषय में हम चाहते हैं कि सेमेस्टर 1 और 3 का या तो उनका प्रमोट कर दिया जाए या फिर उनका स्पेशल एग्जाम लिया जाए।